नमस्कार मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाम में स्वागत करता हूं तो बेटा इस सेशन में अपन पजल को डिस्कस करने चल रहे हैं और पजल में मैं जो फ्लोर बेस्ड पजल है और जो वैकेंट फ्लोर बेस्ड पजल है उसे मैंने लास्ट करवा दिया बेटा खत्म करवा दिया है और मैं एक न्यू पजल में मैं एक न्यू टॉपिक कर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम जो है ब्लड रिलेशन से बेस्ड पजल है ठीक है ब्लड रिलेशन से पजल है तो इस जो ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है बेटा इसे देखने से पहले आप लोग ब्लड रिलेशन को ज़रूर देख लेंगे ठीक है क्योंकि जब तक आप ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ोगे ये आपको समझ में नहीं आने वाला ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल ठीक है ठीक है वहाँ पे मैंने डिटेल से पढ़ाया है ब्लड रिलेशन में है ना पूरे रिलेशन uh, को मैंने एक एक पॉइंट्स करके क्लियर करके मैंने वहाँ पर समझाया है ठीक है तो आप लोग उसे आप लोग ज़रूर देख लेंगे ठीक है नोट डाउन कर लेंगे और फिर इस पे आ जाएंगे, इस पार्ट्स को देखेंगे ठीक है बेटा तो आगे बढ़ते हैं और सेशन को आगे बढ़ाने से पहले बेटा जो न्यू स्टूडेंट है जो हमारे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाइनो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे बेटा ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ठीक है इससे आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें ठीक है यह फर्स्ट देखिएगा चलिए देखिएगा कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है समझिएगा बात कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और यह पॉइंट यह है कि यह कह रहा है ना बेटा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसके बारे में देखना है क्या कह रहा है कि हाउ इज दर्ड हु वर्क्स मतलब जो हु वर्ड है ये वाला जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे काम करता है सेंटेंस में ठीक है द वर्ड इज यूज इन एनी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है तो इट वर्क्स लाइक रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह का काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का की तरह काम करेगा मतलब ये है बेटा कि दिस मीन्स इट विल रिलेट विद रिलेटेड सॉरी रिलेटेड ठीक है रिलेटेड विद द सेकेंड एलामेंट किससे संबंधित होगा सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस ठीक है शब्द का यदि किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए मतलब हु शब्द का ठीक है हु शब्द का यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हु शब्द का किसी सेंटेंस में अगर यूज किया जाएगा ना तो वह साफे सर्वनामों को पसंद करता है मतलब इसके जैसा काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा इसका मतलब ये है कि दूसरे तत्व से संबंधित होगा जैसे एग्जाम्पल देखोगे आप लोग एग्जाम्पल में ये है कि यम इज़ मदर ऑफ़ एन जो यम है वो एन की माता है और हु इज ब्रदर ऑफ पी मतलब ये जो हु यूज हुआ है ये जो हु आप लोग देख रहे हो ये ये एक्चुअली में एन के लिए सॉरी ये एन के, के लिए आया है किसके लिए आया है एन के लिए आया है ठीक है किसके लिए आया है तो एन के लिए आया है यहाँ पे अगर अपन बात करें तो समझिएगा ये जो हु आप लोग देख रहे हो ना बेटा ये हुँ। ये हुए यूज हुआ है एन के लिए किसके लिए यूज हुआ है एन के लिए यूज हुआ है है ना हेयर द वर्ड हु विल गेट रिलेटेड विद एलिमेंट एन एन के साथ ये संबंधित है ठीक है, है इसी तरीके से यहाँ पे देखे तो हाउ द वर्क एंड यहाँ पे end का यूज़ है, है? है? है है? ठीक ठीक कि कि कैसे काम काम करता तो तो किसी में में वो करेगा के जैसा, इसका मतलब ये ये होगा first element के साथ connect होगा, साथ जो फर्स्ट इलामेंट दिया जाएगा वही चीज यहां है, ठीक है यही चीज यहाँ पे कह रहा है तो आप लोग ध्यान दोगे है ना आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो यम इज मदर ऑफ एंड एंड इज द ब्रदर ऑफ पी सॉरी 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 यहाँ पे बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक यहाँ पे फादर होगा बेटा ठीक है यहाँ पे माता नहीं पिता होंगे ठीक है फादर आप लोग इसे क्या करोगे आप लोग इसे कैंसिल कर लोगे ठीक है ये माता नहीं है बेटा ये यह यहाँ पे पिता होंगे ठीक है यहाँ पे माता नहीं यहाँ पे पिता ठीक है पिता लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे पिता होंगे ठीक है पिता है यम एन की एन का पिता है ठीक है और पी का भाई है मतलब कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है विद एलिमेंट यम के लिए मतलब यहाँ पे जो ए, ए, एंड देख रहे हो ना बेटा ये एंड ये यम के लिए यूज हुआ है ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है एक चीज और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड संबंधित कुछ चीज़ों को बता देते हैं कि मेल को अपन बॉक्स से डिनोट करेंगे और फीमेल को फीमेल को अपन सर्कल से डिनोट करेंगे ठीक है कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए अच्छा एक चीज और है जब इतना हो गया है तो थोड़ा सा और आप लोग समझ जाए कि अगर यहां पे फादर और सन का रिलेशन को शो करना होगा तो ये फादर है और ये सन है मतलब ए इज फादर सॉरी सन भी बॉक्स से डिनोट होगा सॉरी बी बी है वो सन है ठीक है अच्छा अगर बात करते हैं फादर एंड डाउटर ठीक है पिता और पुत्री तो पिता और पुत्री का जो रिलेशन बेटा मैं हाइड हो रहा हूँ ठीक है पिता और पुत्री का जो रिलेशन को शो करेंगे वो ए क्या है फादर है तो बी को इस बार पुत्री बनाते हैं ठीक है इस तरीके से रिलेशन को शो करेंगे ठीक है ठीक है यहाँ पे चलो यहाँ पे अगर अपन ले लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ ठीक है जी तो हस्बैंड वाइफ का बेटा क्या है कि ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है इस तरीके से रिलेशन चलेगा ये ए है तो ये बी है ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फादर सन हो गया फादर डॉटर है तो एक काम करते हैं मदर सन को कर लेते हैं सन ठीक है सन तो ये मदर है बेटा ए और ये हो जाएगा आपका सन है बी ठीक है ठीक है जी अच्छा एक यहाँ पे ले लेते हैं मदर डॉटर मदर डॉटर ठीक है तो ए क्या है मदर है और बी क्या है डॉटर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक चीज और है यहाँ पे जब इतना हो गया है तो थोड़ा सा और आप लोग समझ जाए कि अगर यहाँ पे अपन ब्रदर और ब्रदर का रिलेशन को शो करना होगा ठीक है भाई और भाई के रिलेशन को शो करना होगा तो कैसे करेंगे ए क्या है ब्रदर है किसका तो बी का ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर को देखो सिंगल लाइन से लेकिन हस्बैंड वाइफ को डबल लाइन से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना अच्छा एक चीज और कहां पे स्पेस दे दू हाँ चलो ऊपर में दे देता हूँ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे यहाँ पे ले लेते हैं अपन ब्रदर एंड सिस्टर ब्रदर एंड सिस्टर ठीक है? है भाई और बहन के रिलेशन को ठीक है भाई और बहन के रिलेशन को यहाँ पे शो करना होगा तो किस तरीके से आप शो करोगे यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें यूज होने का है है ना तो ज़्यादा डिटेल अपन नहीं चल रहे हैं लेकिन बस इतना जानकारी दे दे रहा हूँ ताकि सोल्व हो जाए क्योंकि मैंने ब्लड रिलेशन में पूरी डिटेल से चल रहा है बेटा ठीक है तो ए क्या है ब्रदर है तो बी क्या है सिस्टर है यहाँ पे देख लो ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड वाइफ सिंगल लाइन है ब्रदर सिस्टर में लेकिन हस्बैंड वाइफ में डबल लाइन है इन चीज़ों का आप लोग बिल्कुल गौर करोगे है ना तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं आगे मैं बढ़ रहा हूँ चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलो देखो सोल्व करना इसे क्या कर रहा है रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एडिशनली रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट होंगे जो गिविन इन्फॉर्मेशन है इसके अनुसार इंग्लिश मीडियम वाले ठीक है ठीक है जी तो ये रहा सेकेंड सॉरी हिंदी मीडियम वाले चलो आते हैं क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अब सोल्व करते हैं इसे अपन देखो क्या कर रहा है यहाँ पे गिवन क्वेश्चन एडिशनली रिक्वायर्ड ठीक है आंसर क्वेश्चन बी इज बी को हसबैंड बनाते हैं किसका है सी तो का ये है सी इसका मतलब सी वाइफ हो जाएगी ठीक है ठीक है जी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे देखो एंड डी इज सन ऑफ एंड डी इज सन ऑफ बी और और जो डी है वो बेटा है बी का एक काम करते हैं इसका मतलब ये है कि जो डी है वो बेटा है बेटा रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है ई एंड एफ़ आर द चिल्ड्रेन ऑफ जी ई और एफ ये चिल्ड्रेन है जी का हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी एंड सी जो कि डाटर इन लॉ है किसका बी एंड सी का तो एक काम करते हैं बेटा कि एक काम करते हैं कि डी का ही डी को हस्बैंड बना देते हैं जी का क्योंकि कनेक्शन को जोड़ते हैं अपन है ना कनेक्शन को जोड़ते हैं और ई e और एफ चिल्ड्रेन है मतलब कि ई e और एफ का जेंडर नहीं दिया है तो इसलिए यहां पे अपन शो नहीं करेंगे ठीक है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड एफ डी और एफ का रिलेशन क्या होगा डी यहां पे है और एफ यहां पे दोनों के बीच में तो ई इज द ब्रदर ऑफ एफ है ना ई इज ब्रदर ऑफ एफ डी हैज टू सिस्टर्स वन एल्डर टू हिम एंड अनदर इज यंगर टू हिम डी इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो सॉरी 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 यहां पर अगर आप लोग इंफॉर्मेशन को देखो है ना यहां पर अगर आप लोग इंफॉर्मेशन को देखो तो एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन में क्या ई e और एफ का जेंडर दिया है ध्यान से समझना पहले क्या इस इंफॉर्मेशन में ई e और एफ का जेंडर दिया है नहीं दिया है ना तो यहां पे अगर हम ये कर दें कि डी हैज टू सिस्टर्स वन एल्डर टू हिम एंड अनदर इज यंगर टू हिम है ना अगर ये चीज रिक्वायर्ड है ऑप्शन अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो जाए आ जाए ठीक है तो क्या हम रिलेशन को नहीं बता सकते हैं डी और एफ के बीच के रिलेशन को डी और एफ के बीच के रिलेशन को नहीं बता सकते बता सकते ना अच्छा बेटा एक चीज देखना है यहां ये ई इज ब्रदर ऑफ एफ अगर मैं एक एक ऑप्शन चेक कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए ठीक है अभी एक मिनट के लिए मान लो कि बी ऑप्शन नहीं है एक मिनट के लिए मान लो मैं एक एक ऑप्शन आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं अभी उठा रहा हूँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए ठीक है ठीक है ऑप्शन नंबर ए को मैं ले रहा हूँ ठीक है क्या कर रहा है ई इज ब्रदर ऑफ एफ मान लो कि ई e है वो भाई है एफ का तो क्या डी और एफ के बीच में पता चल रहा है रिलेशन ये पता चल रहा है कि जो डी है वो फादर होगा किसका फादर ऑफ एफ लेकिन क्या केवल पिता या भी तो कुछ लगना चाहिए ना लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा तो इसलिए अपन ऑप्शन नंबर ए को हटाते हैं ठीक है ठीक है जी इसलिए अपन ऑप्शन नंबर ए को हटाते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल करते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखो डी इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट डी इज सन ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स क्या इससे पता चल रहा है नहीं ना या इज द सिस्टर ऑफ ई जो एफ है जो एफ है वो सिस्टर है ई e की मतलब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? है क्या जरूरी है जो ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे तो सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे यही तो है कि डी की जो दो सिस्टर है वन इल्डर सॉरी 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 बी नंबर नहीं होगा बेटा मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ठीक है बी नंबर नहीं होगा जी यहाँ पे ये यहाँ, 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 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया कहाँ पे देखो 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 देखो, देखो. क्या है ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा अगर डी की सॉरी बी के ऑप्शन की बात करते हैं तो डी हैज़ टू सिस्टर्स वन एल्डर टू हिम एंड अनदर यंगर ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया मतलब बी भी नहीं होगा डी इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स सी भी नहीं होगा एफ की बात करते हैं एफ इज सिस्टर ऑफ सी अगर एफ को सिस्टर बनाते हैं एफ इज सिस्टर ऑफ ई तब यहाँ पे पता चल जाएगा कि डी और एफ के बीच में क्या चीज़ का रिलेशन है फादर एंड डॉटर का ठीक है तो क्या है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक है ऑप्शन नंबर डी मार लो मार्क कर लोगे आप लोग ठीक है तो आप लोग देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किए जाएंगे ये डायग्राम यही बनेगा यहाँ पे ठीक है ठीक है जी आगे बढ़ते चलो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ दिया गया है यहाँ पे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो ये क्या कर रहे हैं यहां पे? कि देयर आर सेवन फैमिली मेंबर्स बी सी डी ई एफ जी एंड एच ठीक है ये सेवन दिए गए और क्या कर रहा है यहाँ पे यहां पे ये यह कह रहा है कि इन विच देयर इज टू मैरिड कपल बी इज द सिस्टर ऑफ सी बी है ये सिस्टर है सी की ठीक है हु इज मैटरनल ग्रेंड सन ऑफ एफ जो कि मैटरनल ग्रेंड सन है अब ये मेटरनल ग्रैंड सन है इसका मतलब ये है यहां पे कि थोड़ा सा डायग्राम को अपन नीचे कर ले ठीक है यहां पे ये बी है और ये ये बी है अरे यार अजीब नोटंकी हो रहा है इसका तो आज है ना ये क्या है बेटा ये बी है और ये सिस्टर है सी की ठीक है और ये जो हु uh, यूज किया गया सी के लिए ठीक है ध्यान रखोगे आप लोग मेटरनल ग्रैंड सन मतलब मेटरनल ग्रैंड सन मैटरनल मतलब माता की तरफ से मतलब ये ये है मदर है और ये फादर हो जाएंगे जो भी होंगे ठीक है किसका यफ का है ना तो इसका मतलब ये यफ है द फादर ऑफ ई हैज टू मैटरनल ग्रेंड चाइल्ड जो फादर हैं ई के ठीक है बेटा वो इसके पास दो मैटरनल ग्रैंड चाइल्ड है इसका मतलब एक काम करते हैं इसका मतलब एक काम करते हैं द फादर ऑफ ई एक काम करते हैं अपन ई को ही इसकी मदर बना देते हैं ठीक है तो दो ग्रेंड दो मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रेन हो गए डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच ठीक है जो डी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी एच की अभी तक छोड़ो डी है जो सिस्टर इन लॉ एच की एंड हु इज फादर ऑफ बी अच्छा मतलब ये है कि सिस्टर ऑफ एच डी एच हु इज फादर ऑफ बी मतलब कि एच है बेटा वो फादर हो जाएगा और डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच मतलब कि ये डी है वो इस तरीके से आ जाएगा सिस्टर इन लॉ ठीक है और यहाँ पे जी इज अ फ़ीमेल जी है वो फ़ीमेल है जी के बारे में कुछ दिया गया क्या जी इज अ फीमेल कुछ है वैसा इन्फॉर्मेशन जी को लेकर ग्रैंड चिल्ड्रेन द फादर ऑफ टू मेटर ग्रैंड चिल्ड्रेन ठीक है डी इज of... तीन तीन छो एक सात जी के बारे में कहाँ कुछ दिया गया है जी कुछ दिया गया है क्या हम्म 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 इसका मतलब ये है कि अच्छा आ गया देखो क्या है कि देयर आर टू मैरिड कपल दो मैरिड कपल है ना बेटा तो एक मैरिड कपल हो गया है ना यहां पे एक मैरिड कपल तो ये है तो इसका मतलब ये है ना कि जी फीमेल है ना तो इनको मेल बनाते हैं और जी को फीमेल बनाते हैं ये अब आपका ये करेक्ट है ठीक है जी अब आपका ये करेक्ट है अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉरी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लो क्वेश्चन ये कर बेटा यहाँ भी खत्म ये लो देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या मिस्टेक हुआ है मैं थोड़ा सा बता ही दूंग चलो जी मिस्टेक ये हुआ है बेटा कि क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ पे टाइप नहीं हुआ ठीक है तो यहां पे क्वेश्चन ये है ये क्वेश्चन है यहां पे लिख लेना कि व्हाट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बिटवीन ई एंड जी ठीक है ई e और जी के बीच में क्या संबंध है हिंदी मीडियम वाले है ना लिख लोगे ई e और जी के बीच में क्या संबंध है ठीक है जी चलो मैं हाइड हो जाता हूँ ठीक है अब बिल्कुल क्लियर है तो आप लोग इसे नोट कर लोगे प्लीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार काम चला लो ठीक है बेटा तो यही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है क्वेश्चन में ठीक है ठीक है चलो कोई नहीं यार थोड़ा सा एडजस्ट करवाता हूँ क्वेश्चन um, uh, यहाँ पे आप लोग लिख लेना क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लिख लो ठीक है क्वेश्चन आप लोग यहाँ लिख लो कि हाउ इज व्हाट इज द हाउ इज नहीं व्हाट इज द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन What इज द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बेटा uh, 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 आपका ई e है और uh, क्या है जी uh, है ठीक है मतलब कि ई e और जी के बीच में क्या संबंध है ठीक है क्या संबंध है तो देखिएगा ई e और जी के बीच में कह रहा है ना तो ई e यहाँ पे है और जी यहाँ पे है तो दोनों के बीच में ई e और जी के बीच में ई e क्या है डॉटर है ना मतलब ई इज डाउटर इन लॉ ऑफ जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ई इज ब्रदर ऑफ जी नहीं ई इज सन ऑफ जी नहीं ई इज मदर ऑफ जी इज मदर ऑफ अच्छा ओ यार ये जी है ना ये जी है और ये फीमेल है बेटा क्योंकि जी इज अ फीमेल ठीक है तो जी इज मदर ऑफ ई जी क्या है माता है ये की, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन यही है बेटा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ई एंड जी ठीक है थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया यार चलो ये है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये रहा बेटा क्या कह रहा है कि बी इज़ द फादर ऑफ डी एंड ई बी क्या है पिता है किस का तो डी और ई e का पिता है ठीक है ठीक है चलो तो एक काम करते हैं बी को पिता बनाते हैं तो ये बी फादर है किसका बेटा डी और ई का डी है और ये ई है दोनों के बीच में कोई जेंडर का भी स्पेस क्लियर नहीं हुआ है तो अपन कुछ देते नहीं है जेंडर को मैरिड कपल एंड दे हैव टू डॉटर्स सॉरी डी एंड ई डी एंड एफ मैरिड कपल डी और एफ है वो मैरिड कपल है डी और एफ है वो मैरिड कपल है काम करते हैं थोड़ा सा इधर लेकर चलते हैं है ना बी ये है इसकी नोटंकी तो हद है यार ये डी है और ये ई e है डी और एफ ये मैरिड कपल है मतलब कि ये एफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है दोनों के जेंडर भी देते नहीं है एंड दे हैव ओनली टू डॉटर्स आई एंड जे बट सन दोनों का एक दोनों का दो डॉटर है ठीक है मतलब कि यहाँ पे ये डॉटर है और ये एक डॉटर यहाँ पे है लेकिन बेटा नहीं है और ये डॉटर क्या है आई है और एक जे है ठीक है डी इज़ द ब्रदर ऑफ़ ही जो डी है ना बेटा वो ब्रदर है भाई है मतलब कि डी हो जाएगा वो यफ का हस्बैंड हो जाएगा और यफ है डी की वाइफ हो जाएगी ठीक है ये रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा यच इज़ द सिस्टर ऑफ जी यच है वो सिस्टर है जी की मतलब कि साइड में कर लेते हैं यच है वो सिस्टर है जी की आगे जरूरत पड़ेगा ऐड कर देंगे ठीक है एंड डाटर ऑफ क्यू और ये जो यच है वो डॉटर है क्यू के ठीक है अभी तक तो कुछ पता नहीं चला हु इज मदर ऑफ़ यस मतलब कि जो क्यू है ये मदर है यस yes की मतलब यहां से ये इन्फॉर्मेशन चल पता चल गया कि क्यू है फीमेल है ठीक है? Uh, है वो इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल ओ ये लो जो ओ है वो ग्रैंड फादर है एल के मतलब कि ये रिलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है हु इज नोट सन ऑफ ई जो कि ई e का बेटा नहीं है आगे देखते हैं एंड एच ई और एच का बेटा नहीं है Uh, b is the mother-in-law of g b is the mother-in-law of g ठीक okay? b is mother-in-law of g hmm. इज द मदर इन लॉ ऑफ जी ये काम करते हैं डी ऑफ तो हो गया बेटा तो डी एफ हो गया तो यहाँ पे अगर अपन डी एफ हो गया ना तो डी और एफ हस्बैंड वाइफ है तो काम करते हैं ई e और जी को समझिएगा बात ई e, सॉरी मतलब ई e और एफ को ई e है और अच्छा एक मिनट क्या कर रहा है यहाँ पे um, क्या कुछ कर रहा है यहाँ पे ये यह चीज द तो सिस्टर ऑफ जी ही डॉर ऑफ इज दी इज द मदर इन लॉ ऑफ जी अच्छा हो तो क्या मतलब बी इज द मदर इन लॉ ऑफ जी एक काम करते हैं कि इसको जी जी को इसके साथ गठबंधन करा देते हैं ठीक है गठबंधन करा देते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है आ, हु इज वाइफ ऑफ ई मतलब कि ये जो जी है ये वाइफ है ई e की तो इसका मतलब ये है कि जो ई e है वो जी का हसबैंड होगा ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है अब दैट इज सोल जो यल है ना बेटा वो इज ग्रैंड फादर ऑफ यल ठीक है हु इज नोट द सन ऑफ ई एंड एच ई और एच का बेटा नहीं है ठीक है ई e और एच का बेटा नहीं है तो एक काम करते हैं mm. जिससे ये बी हो गया तो कुछ और है दिया गया इन्फॉर्मेशन कितना हो गया आ, एक दो तीन अच्छा आ, बी हो गया सी हो गया डी हो गया सी के बारे में कुछ दिया गया है नहीं है दिया गया एक दो तीन चार पाँच छः सात अच्छा मेरिड कपल मेरिड कपल मेरिड कपल एक दो मेरिड कपल हुआ ना तो एक ये भी तो मैरिड कपल हो जाएगा ये तीन और यहाँ पे देखते हैं कि कौन आएगा ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं लेते हैं अच्छा अब कनेक्शन को जोड़ते हैं क्या कह रहा है कि जो जी है ना आ, न, 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 वो इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल एच इज सिस्टर ऑफ जी एच इज सिस्टर ऑफ जी एंड डॉटर ऑफ क्यू एच इज सिस्टर ऑफ जी एच इज सिस्टर ऑफ जी मतलब अब हो गया काम काम ये हुआ कुछ इस तरीके से जो एच है बेटा ये सिस्टर है जी की ठीक है तो रिलेशन इस तरीके से जुटेगा ठीक है अच्छा आ, और सिस्टर एंड 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 डॉटर ऑफ क्यू अच्छा और डाउटर ऑफ क्यू मतलब कि क्यू है ये यहाँ पे ठीक है हु इज मदर ऑफ़ यस मतलब कि यस yes है जो यहाँ पे आ जाएगी हुई इज मदर ऑफ़ यस ठीक है अब क्लियर है वो इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल वो है बेटा वो ग्रैंड फादर है यल के तो एक काम करते हैं यल हु इज नोट द सन ऑफ ई एंड एच ई और एच का बेटा नहीं है समझिएगा बात ई e और एच का बेटा नहीं है मतलब कि यहाँ इसका भी बेटा नहीं है और एच का भी बेटा नहीं है ठीक है तो बेटा किसका होगा बेटा ये किसका होगा तो बेटा ये हो जाएगा ई और एच का बेटा नहीं है यल तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है ये दोनों का तो एक ही बेटा एक बेटी इसकी केवल दोनों बेटी और इसका बेटा है ही नहीं तो ये काम करते इसका पुत्र बना देते हैं ठीक है इसका पुत्र बना देते हैं वो इज द ग्रैंड फादर ऑफ एल हु इज द सन ऑफ एल ठीक है ये ठीक है ये अब क्लियर है इसका कर देते हैं तो अब क्या है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टूल्व ठीक है अब मेरिड कपल के बारे में बातें की जा रही है ना तो वन टू थ्री तो एक काम करते हैं यहाँ पे सी ले लेते हैं और ये क्यों है ना बेटा तो बच्चा क्या Hmm. बेटा यहाँ पे सी होगा ठीक है एक बाई मिस्टेक हुआ है यहाँ पे एक्चुअली में डी एक मिनट डी एंड जी हाँ यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा हटाएंगे तो ये पूरा घसक जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर से कर दूंगा यहाँ पे आप लोग सी कर लो ठीक है इसी कारण थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था अब इसको कहाँ जोड़ना है इसको ठीक है इसे ले आओ ठीक है जुट गया जुट गया ना हाँ जी थोड़ा सा इधर ले आओ बेटा ठीक है अब जस के तस हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये हो गया तो ये देखो जो सी है ये क्या है जो सी है ना वो सी है मदर इन लॉ ऑफ जी है तो जी यहाँ पे है तो मदर इन लॉ ऑफ जी सी है जो तभी तो सी यहाँ पे आएगा तभी तो सी यहाँ पे आएगा ना है ना तो ध्यान दोगे आप लोग ठीक है यहाँ पे सी होगा अब समझ में आया था कहाँ पे मिस्टेक हुआ है है ना और और क्या बचा है यहाँ पे और कुछ है क्या वैसा इंफॉर्मेशन ओ इज़ द ग्रैंडफादर फादर ऑफ़ एल मतलब कि यस है वो बेटा है यस का और जो यस है ना बेटा वो चाइल्ड है किसका मतलब पता नहीं ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जेंडर का स्पेसिफाई नहीं हुआ है जिसका मतलब ये है यहाँ पे कि क्यू है और ओ को ग्रैंड फादर बना देते हैं तो इसका मतलब वो है जो कुछ इस तरीके से रिलेशन हो जाएगा तो देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली कितने मैरिड कपल हैं तो देखिएगा अरे यार ये सी है सी क्यों भाग जाता है तो मैरिड कपल एक मैरिड कपल दो मैरिड कपल तीन मैरिड कपल फोर फोर मैरिड कपल है ऑप्शन नंबर डी ठीक है ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है बेटा ये ठीक है बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे इन चीजों का ठीक है आगे बढ़ते हैं आ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर थ्री हो गया क्या ये थ्री मैंने करवा दिया कौन कौन सा करवा दिया यार मैं तो फर्स्ट नंबर हो गया फर्स्ट हो गया सेकेंड थर्ड फोर्थ चलो बेटा फोर्थ नंबर देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे बिल्कुल आप लोग तरीके से नोट करते चलेंगे ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं ये राहुल जी फोर्थ नंबर देखो क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन uh, ये कर रहा है यहाँ पे कि यल इज डॉटर ऑफ यच जो यल है वो एच का डॉटर है मतलब कि यच यहाँ पे ये यह है तो यल यहाँ पे ये यह। ठीक है इज इज मैरिड टू सी जो एच है बेटा वो सी के साथ मैरिड है है ना हुई इज मैरिड टू ओ सॉरी ओ है इसको ओ बनाते हैं ठीक है सी इज ब्र सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच जो सी है वो एच का ब्रदर इन लॉ है मतलब कि ये कुछ इस तरीके का रिलेशन बनेगा ठीक है सी है तो ब्रदर इन लॉ मीन्स मेल हो जाएगा एंड हु इज टू डाउटर बट नोसन एच के दो डॉटर है लेकिन भी, आ, कोई भी सन नहीं है तो एक और डॉटर हो जाएगी ये डी इज कजन ऑफ एफ जो डी है वो कजन है एफ का एंड ब्रदर ऑफ एल ठीक है ब्रदर ऑफ एल इसका मतलब इज इस डॉटर ऑफ एच हुई इज मैरिड टू सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ हु हैज टू डॉटर्स बट नो सन ठीक है डी इज कजन ऑफ एफ एंड ब्रदर ऑफ एल अच्छा आगे देखो कि जी हैज वन सन एंड वन डॉटर आई एंड जे आर डाउटर ऑफ पी आई और जे है डॉटर पी के ए इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर ऑफ द फैमिली अच्छा एल इज डॉटर ऑफ एच जो एल है वो डॉटर है एच की एल है वो डॉटर है एच की ठीक है मिस्टेक होगा है एक मिनट एक मिनट इज डाउटर ऑफ एच तो एच को अपने यहाँ लेते हैं तो यल को अपने यहाँ लेते हैं ठीक है हु इज मैरिड टू सी हु इज मैरिड टू ओ ठीक है ये इसकी विवाह ओ के साथ हुआ है ठीक है इसकी विवाह ओ के साथ हुआ है अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे जब इसका विवाह ओ के साथ हुआ है ना अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच जो सी है वो एच का ब्रदर इन लॉ है ठीक है जो सी है वो एच का ब्रदर इन लॉ है मतलब कि सी कुछ इस तरीके से आ जाएगा ठीक है बेटा सी कुछ इस तरीके से आ जाएगा अच्छा अब आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि आ, याच, याच के बारे में कह रहा है कि who, uh, who है, है ना, इसकी दो बेटी है ठीक है यच की दो बेटी है है ना तो यच यहाँ पे एक बेटी ये है तो एक बेटी को और मैं ले रहा हूँ है ना आई डोंट नो कि हु इजटर ऑफ एच आगे देखते इन्फॉर्मेशन में अब देखिएगा कि डी इज कजन ऑफ एफ जो डी है ये कजन है एफ की है ना जो डी है ना बेटा वो एफ की कजन है इसका मतलब ये है कि अच्छा ठीक है एंड ब्रदर ऑफ एल ओ अब समझ में आया देखो क्या कर रहा है कि ब्रदर ऑफ एल कह रहा है ना इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच मतलब कि जी का ब्रदर इन लॉ है बी ठीक है यहाँ तक तो ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो हु हैज टू डॉटर्स बट नो सन इसकी दो बेटी है लेकिन बेटा नहीं है और सी इज कजन सॉरी डी इज कजन ऑफ एफ डी इज कजन ऑफ एफ एंड ब्रदर ऑफ यल समझिएगा बात जो डी है ये कजन है यफ के और भाई है यल का मतलब ये है कि जब यल का भाई है तो इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये डी हो जाएगा है ना लेकिन यहाँ पे तो ये करा है कि वो एस टू डॉटर्स है इसके बारे में दो बेटी करा है बट बट नो सन ये क्या गड़बड़ हो रहा है यार जी एंड एम आर सन इन लॉ ऑफ ओ जी एंड आर है ना सन इन लॉ है जी 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 एंड 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 तो एक काम करते हैं कि अगर अच्छा ए इज आल्सो फैमिली मेंबर तो आई एंड जे आर डॉटर ऑफ पी पी की डॉटर है एक काम करते थोड़ा सा इसको रिलैक्स माइंड से सोचते हैं इसको एक काम करते हैं कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन समझने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे कहीं कुछ यल एच की पुत्री है जो ओ से विवाहित है अच्छा एल एच की पुत्री है एल ठीक तो है मतलब कि ये एच है ना तो ये एल है एल एच की पुत्री है और ये ओ से विवाहित है हाँ ठीक है और सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एच मतलब कि यहाँ पे सी हो गया बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आगे देखते हैं कि जिसकी दो बेटियाँ हैं लेकिन कोई पुत्र नहीं है अच्छा जी के बारे में बातें की जा रही है ना मतलब इसकी दो बेटियां हैं लेकिन कोई पुत्र नहीं है तो लो ठीक है अच्छा है, अब देखो तो डी इज कज़न ऑफ एंड एंड ब्रदर कजन ऑफ एंड ब्रदर ऑफ़ ठीक है जी एंड एम आर सन इन लॉ ऑफ ओ मतलब कि एक काम करते हैं जी एंड एफ है ना सन इन लॉ है तो यहाँ पे आ, जी एक मिनट जी एंड एम एम हैज टू डॉटर्स अच्छा जी हैज एफ ठीक है जी एंड एफ जी एंड एम आर सन इन लॉ ऑफ ओ एक काम करते हैं इसकी विवाह हम करवा देते हैं जी के साथ और इसका विवाह करवा देते हैं हम सॉरी यम के साथ ठीक है ये सन इन सन इन लॉ है ना करवा देते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब अगर हम देखें तो ये इसका काम तो हो गया एम हैज टू डाउटर्स एंड वन सन एम की दो बेटी है और एक बेटा है एक बेटी दो बेटी और एक बेटा ठीक है एक बेटा ये इसके बाद अगर हम देखें तो क्या कर रहा है जी हैज वन सन अच्छा जी का एक बेटा है और एक बेटी है मतलब कि इसका एक बेटा है और एक बेटी है ठीक है आई एंड जे आर डॉटर ऑफ पी आई और J है वो डॉटर है पी की ठीक है ना आई और जे है वो डॉटर है पी की तो आई और जे है वो डॉटर है पी की तो एक काम करते हैं बेटा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो दो डॉटर का सिचुएशन तो यहीं पे बन रहा है इसका मतलब ये आई को यहाँ करते हैं जे को यहाँ करते हैं और पी को यहाँ करते हैं यही तो सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे है ना एंड ए इज ऑल्सो द फैमिली मेम्बर एमिली मेम्बर है ए है ना ए फैमिली मेंबर है अब बात समझिएगा यहाँ पे जो ए फैमिली मेंबर है है ना ए जो फैमिली मेंबर है तो अच्छा और कुछ है क्या है यहाँ पे डी इज कजन ऑफ एफ एंड ब्रदर ऑफ एल डी इज कजन ऑफ अच्छा अब आया यल यहाँ पे नहीं होगा जी ठीक है क्या कर रहा है डी है जो कजन है यफ का और यल का भाई है तो इसका मतलब तो यही है ना बेटा यल का भाई है तो यल यहाँ पे आ जाएगा तभी तो डी यहाँ पे आएगा तभी तो यफ यहाँ पे, तो पे आएगा तभी तो कजन बनेगा ना डी और ए के बारे में बातें की जा रही हैं तो ए यहां पे आ जाएगा एंड दैट इज सोल्व वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग इस पर लगा लोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ध्यान रखोगे अब क्या कह रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू डी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन पी का संबंध डी से किस प्रकार का है पी यहाँ पे है डी यहाँ पे है क्या लगेगी आंट लगेगी ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लेंगे सेम क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन सेम है इन्फॉर्मेशन सेम है केवल क्वेश्चन बदल गया है क्या कर रहा है कि हाउ इज आई रिलेटेड टू ओ द गिवन इन्फॉर्मेशन आई का संबंध ओ से किस प्रकार का है यहाँ पे देखे प्रीवियस क्वेश्चन में आ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आई हाउ इज आई रिलेटेड टू ओ अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पे आई किस प्रकार से संबंधित है आई कहाँ पे है आई यहाँ पे है वो कहाँ पे? पे है यहाँ पे, पे है एक चीज आप देखो यहाँ पे ये है जो पुत्री है है ना एच की और पी भी पुत्री है तो पुत्री की पुत्री पुत्री की पुत्री मीन्स जो बेटी है तो बेटी की बेटी है ना ग्रैंड डॉटर लगेगी लगेगी ठीक है बेटा ग्रैंड डॉटर लगेगी तो क्या है यहां पे ग्रैंड डॉटर ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए है ना ऑप्शन नंबर ए अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग नोट कर लोगे कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि हाउ इज हाउ इज ओ रिलेटेड टू इसका ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना ये क्वेश्चन तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हाउ इज ओ रिलेटेड टू रिलेटेड टू आई i according uh, according to the according to the given informations ठीक है uh, according to the given informations ठीक है ठीक है जी ठीक है ऑप्शन भी मैं दे दूँ. चलो दे देता हूँ. ग्रैंड डॉटर ठीक है बी ग्रैंड मदर ग्रेंड मदर ठीक है ऑप्शन नंबर सी ग्रैंडफादर फादर फादर ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ई नंबर नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस ठीक है क्या होगा बेटा ध्यान रखोगे यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो क्या ओ का जेंडर पता है आपको ओ का जेंडर पता है नहीं ना जब ओ का जेंडर नहीं पता होता है तब इस सिचुएशन में हम रिलेशन को बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे जब रिलेशन को नहीं बता पाएंगे तो ग्रैंड डॉटर तो होगी नहीं ग्रैंड फादर होंगे नहीं सॉरी ग्रैंड मदर नहीं होंगे ग्रेंड फादर नहीं होंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन यही है नॉन ऑफ दिज कब देते जब यहाँ पे ये चारों ऑप्शन सही नहीं होता तब हम नन ऑफ दिज देते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है नोट बी डिटरमाइन में कांट बी डिटरमाइन कांट डिटरमाइन मतलब हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि ये क्या लगेगी तो ये है ऑप्शन अच्छा मैं एक और ऑप्शन देता हूँ इसी क्वेश्चन का ये तो ठीक है इसी क्वेश्चन का मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूँ समझिएगा बात इसका ऑप्शन मैं ये दे रहा हूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे आप लोग ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर बी नंबर ग्रैंड फादर ऑप्शन नंबर सी इधर इधर ऑप्शन इधर ए और बी आर फॉलोज फॉलोज या ट्रू लिख सकते हैं ठीक है फॉलोज लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे नीदर नीदर ए नॉर सी आर फॉलोज ठीक है और लिख दो आप ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस कौन सा ऑप्शन होगा तो इसमें बेटा ध्यान रखना ईदर ए और बी या तो वो मदर लग ग्रैंड मदर लगेगी या ग्रेंड फादर लगेगी ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन जो होता है ना जो ऑप्शंस दिए जाते हैं एग्जामिनर काफी सोच समझ कर ऑप्शन देता है एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आप कितना ब्रिलियंट हो एग्जामिनर ये देखता है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से वर्क कर रहे हो ठीक है तो ग्रैंड मदर भी सही है ग्रैंड फादर भी सही है ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं लेकिन बेटा हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है ना तो इधर वाला ठीक है है ना नीदर, ना नीदर तो वो ग्रैंड मदर है और ना ही ग्रैंड फादर है क्योंकि जब तक जेंडर नहीं है तब तक हम बता नहीं सकते मतलब ये भी ठीक है लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है यहां पे इधर ऑप्शन ए और बी आर फॉलोज ठीक है तो ध्यान रखिए कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ऑप्शन दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ठीक है आप लोग बिल्कुल मार्क करके चलेंगे जो इसका देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है ये जो दिया गया है ना इसका ऑप्शन नंबर ए है लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अलग है ठीक है ये अलग है तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखोगे ठीक है बेटा तो और ये रहा लास्ट में आपके लिए प्लीज़ सेशन को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें ठीक है और जो वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विज़िट किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफा नाउ को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें ठीक है और सेशन अच्छा लग रहा है बेटा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो यार है ना लाइक करना ना भूलें कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है ठीक है तो फिर हमें इजाज़त दें फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह के सेशन के साथ कुछ इसी इसी तरह के आ, पजल्स के साथ है ना ताकि मैं कुछ और भी बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ यहाँ पे ठीक है बेटा तो फिर हमें इजाज़त दे तब तक जय हिंद